क्विंट और ब्रूट इंडिया के इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चल गया है कि रफाल के ऑफसेट प्रोसेस में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के पोटेंशियल है यहाँ पे। क्विंट और ब्रूट इंडिया ने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके देखा है कि रिलायंस का एक की कंसल्टेंट जो है शांतनु शुक्ल, उनके भाई प्रशांत शुक्ल रक्षा मंत्रालय में CGDA जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, जो पूरे फाइनेंस का काम करते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के और जो भी एक्विजिशंस के लिए ऑडिट करते हैं, ये ऑफिस में प्रशांत शुक्ल का नंबर टू पोजीशन है और प्रशांत शुक्ल के बीवी के नंबर वन पोजीशन है CGDA का और वो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। तो देखिए इसमें क्या पता चल जाता है, हमें पता है कि CGDA के दो सीनियर ऑफिशियल का रिलेशन एक रिलायंस के कंसल्टेंट से है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू क्यों आता है? तो अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब हम बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है? देखो ऐसे है कि मान लो कि मैं अपने कंपनी में बॉस हूँ, मेरे भाई दूसरे कंपनी में है, मैं अपने कंपनी को बोलता हूँ देखो जाके इनको काम दो जो मेरे भाई के कंपनी को है, ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि मेरे भाई का कंपनी और मेरे कंपनी का जो बिजनेस करने का टाइम आता है, अगर मैं अपने पर्सनल चीज से इसलिए वो बिजनेस डील दे रहा हूँ, ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे इस सिचुएशन में देखो क्या है, CGDA में भाई है, रिलायंस में भाई है। अब बात ये है कि लोग कहेंगे कि अगर CGDA में भाई है, रिलायंस में भाई है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, रफाल डील में कहाँ से इसमें क्या लेना देना है? सुप्रीम कोर्ट में जब गवर्नमेंट ने अपना डॉक्यूमेंट दिया था कि ये प्रोसेस, ये रफाल डील का प्रोसेस कैसे था, प्रोसीजर क्या था, ये ऑफसेट प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों में एक डॉक्यूमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकला था कि जो भी ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अगले साल से आने वाले हैं उनको ऑडिट करना पड़ेगा CGDA को, उनको देखना पड़ेगा कि क्या ये डील ठीक है, ये एक्चुअली काम के डील हैं, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई इलीगैलिटी तो नहीं है, और ये सब काम CGDA का काम है। तो सोचो अगर रिलायंस जाके ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करना है CGDA, CGDA में रिलायंस के कंसल्टेंट का भाई बैठा हुआ है वहाँ पे ऑडिट करने के लिए, तो इसमें पोटेंशियल तो है ना रिस्क का। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है, इलीगैलिटी हुआ है, कुछ ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं, पर इसमें जो बात है कि ऐसे सिचुएशंस जब होते हैं इसका पॉसिबिलिटी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। और क्या होता है कि अगर हम जो सिविल सर्विस है IAS के रूल्स देखेंगे तो उसमें रूल्स में बहुत क्लियरली लिखा हुआ होता है कि कोई भी सिचुएशन में अगर किसी ब्यूरोक्रेट का जो है, अगर उसका भाई बहन कोई भी उनके कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट का इशू है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अप्रूव नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते, उनका कोई उनसे लेना देना नहीं हो सकता। तो इसमें इशू ये है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो ये इसका पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट जाएगा इसमें अनड्यू बेनिफिट मिलेगा अपने कंपनी को। यहाँ पे जैसे रिलायंस क्योंकि उनके CGDA के भाई का कंपनी है, उनको थोड़ा अनड्यू बेनिफिट हो सकता है, दूसरे कंपनी से बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में हमें देखना पड़ता है कि, और हम जब कानून देखते हैं उसमें ऐसे लिखा भी है कि ऐसे चीज़ों को रोकना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो हमने ये देख के देखा है कि ठीक है, यहाँ पे प्रशांत शुक्ल से हमने पूछा, हमने शांतनु शुक्ल से सबसे क्वेश्चन पूछा है कि आप समझा दीजिए हमें यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या नहीं। अब प्रशांत शुक्ल ने हमें बताया कि देखो मेरी जो बीवी है मधुलिका शुक्ल, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया है रिलायंस के मैटर से डील करने के लिए, मेरा भाई शांतनु शुक्ल ने अब रिज़ाइन कर लिया, वो अब काम नहीं करता रिलायंस के लिए, अब वो ऐसे चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे शायद से हो सकता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बंद हो भी जाए। ये भी हो सकता है कि अगले साल जब ऑफसेट्स हो जाए, अगर एक भाई CGDA में नहीं और एक भाई साथ में रिलायंस में नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो गया हो फिर। पर जो हम देख रहे हैं कि देखो जब शांतनु शुक्ल रिलायंस के कंसल्टेंट थे, उसके ये पता होने के बाद गवर्नमेंट ने फिर भी मधुलिका शुक्ल और प्रशांत शुक्ल को अपने CGDA में पोजीशन दे दिया। तो यहाँ पे प्रोसेस की भी बात है कि जैसे गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, वो क्या देखते नहीं है क्या कि उनके भाई बहन कंपनी में है जिनका कुछ बेनिफिट हो सकता है, क्या वो देखते नहीं है कि अगर वो इनको डाल दे उनको बाद में फिर से निकालना पड़ेगा पोजीशन से? ऐसे सब चीज़ों का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अब हमारे सिचुएशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रह जाता है तो फिर प्रशांत शुक्ल, मधुलिका शुक्ल
चाहे वो सीजीडी में हो या ना हो, अगले साल जब ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट होना है वो उनमें कोई भी पार्ट नहीं ले सकते। तो ये गवर्नमेंट के लिए खराब चीज़ है, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया है, अब उनको निकालना है, फिर कुछ और स्टेप लेना है कि इसको ठीक करने के लिए। तो इन सब चीज़ों करके हमारे जो टैक्स पेयर मनी है वही खराब हो जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको ठीक से इफिशियंटली नहीं कर पा रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हमारे गवर्नमेंट को पता था, क्योंकि सीजीडीए का अपॉइंटमेंट तो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी करते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठा है, होम मिनिस्टर भी बैठा है। क्या अगर उनको पता था कि ये इनके मधुलिका सुकुल और प्रशांत सुकुल का रिलेटिव जो शांतनु सुकुल है वो रिलायंस में है, क्या उन्होंने इसको छोड़ दिया, क्या उन्होंने कुछ चीज़ें करके, उन्होंने कोई स्टेप्स करके कुछ प्रोसीजर रख के बोला कि ठीक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन सब चीज़ों का हमें जवाब मिलना पड़ेगा। हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी क्वेश्चनर भेजा, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। हमने सीजीडीए को क्वेश्चन किया, उन्होंने रिस्पांस नहीं किया। मधुलिका सुकुल ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया है हमारे प्रश्नों के लिए। तो अभी ये स्टोरी और भी शायद से डेवलप हो सकता है, पर अभी तक हमें क्या मिला है, हमने देखा कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अभी कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट में कि ये ऐसे नहीं हो जाए, पर अभी के लिए इसका बहुत बड़ा रिस्क है, इसका बहुत बड़ा डेंजर है। और इससे पता चल सकता है कि ऐसे चीज़ें कैसे और भी डील्स में हो सकता है, ये रफाइल के और भी दूसरे कोई एस्पेक्ट में भी हो सकता है।